नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी विशेषताएं जिसके बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि धन की कमी आपके घर में क्यों हो जाती है। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो। सभी कहते हैं कि हम अपना घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण आपके घर में कब पैसों की कमी हो जाए इसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। कब आप गरीबी के रास्ते पर चल पड़ेंगे ये आप खुद भी नहीं जानते। जानिए इस वीडियो के दौरान कि कौन सी चीज़ें आपके घर में होने से धन की कमी हो सकती है। नंबर एक, आपने अक्सर देखा होगा कि कबूतर अपना घर कहीं भी बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उन्हें कहीं खाली जगह मिल जाए तो वह अपना घोंसला वहीं बना लेते हैं जहाँ वह सुरक्षा महसूस करें। यदि आपके घर में भी कबूतरों ने घोंसला बना रखा है तो इससे आपके घर में धन की कमी और अस्थिरता आती है, इसलिए आप उस घोंसले को हटा दें या फिर कहीं और स्थापित कर दें जिससे कबूतरों का घर भी बचा रहे और वह सुरक्षित भी महसूस करें, उनको नुकसान भी ना हो, तो इससे भी आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर दो, मधुमक्खी का छत्ता। अगर आपके घर में पेड़ है तो मधुमक्खियों ने तो अपना घर जरूर वहाँ बना रखा ही होगा। अब सभी जानते हैं मधुमक्खी आपके लिए खतरनाक भी है, कभी अगर आप उन्हें छेड़ते हैं वह आपको काट भी सकती हैं। यह मधुमक्खी दुर्भाग्य और गरीबी की स्थिरता लाती हैं। नंबर तीन, मकड़ी का जाला। आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि घर में सफाई ना करने पर मकड़ी जाला बना देती हैं। आप लगातार अपने घर में सफाई करते रहें जिससे कि मकड़ी जाला ना बना सकें। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप सफाई नहीं कर पाए हैं तो हफ्ते या दो हफ्ते में भी आप सफाई करेंगे तो मकड़ियाँ जाला नहीं बनाएंगी। मकड़ियों के जाला बनाने से आपके घर में दुर्भाग्य और धन की हानि होती है, तो कोशिश करें कि घर में जाला ना बने। नंबर चार, टूटा हुआ शीशा। घर में यदि टूटा हुआ शीशा है तो ये वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण है और गरीबी का भी। कोशिश करें कि घर में कोई टूटा हुआ शीशा भी ना हो। अगर बाई चांस कोई शीशा अगर टूट गया है तो उसे जल्द ही घर से दूर रखें या फिर कचरे में फेंक दें, क्योंकि टूटा हुआ कांच किसी भी कार्य में नहीं लग सकता। इससे आपके घर में धन की हानि भी होती है और वास्तु दोष भी और नेगेटिव ऊर्जाएं भी उत्पन्न होती हैं। नंबर पाँच, चमगादड़। चमगादड़ खराब स्थिति, स्वास्थ्य और मौत की पदाधिकारी मानी जाती है। कहा जाता है अगर चमगादड़ आपके घर में प्रवेश कर ले तो आपके घर में भी धन की हानि भी होगी, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और दुर्भाग्य की स्थिति भी बनी रहेगी। अगर आपके इलाके में चमगादड़ देखी जाती है तो सूर्यास्त के समय आप अपनी खिड़की दरवाजे सील कर लें ताकि घर के अंदर चमगादड़ घुस न पाए। नंबर छः, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी नल खराब हो जाता है। नल खराब होने की वजह से पानी टपकने भी लगता है। पानी बहता हुआ इससे आपके सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। कहते हैं वैसे भी पानी को वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पानी वैसे उपयोगी वस्तु है, आपका जीवन भी पानी के ऊपर टिकाऊ है, तो कोशिश करें कि अगर आपका नल खराब हो गया है तो उसे ठीक कराएं जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और आपके घर से भी सकारात्मक ऊर्जा बाहर ना जाए। नंबर सात, पूजा के फूल। आप भगवान की पूजा करते हैं, उन पर पुष्प अर्पित भी करते हैं, लेकिन पुष्प अर्पित करने के बाद अगले दिन वह पुष्प पुराने हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि भगवान के सामने नए पुष्प चढ़ाएं और जो पुराने पुष्प हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे दें ताकि आपके घर में गरीबी का वास ना हो। नंबर आठ, आपके घर में यदि पेड़ हैं तो उस पर सूखे पत्ते भी आ जाते हैं, तो उन सूखे पत्तों को आप हटा दें और उनकी सफाई कर दें। कभी झाड़ फूक से भी उसे साफ कर दिया करें। ऐसा करने से आपके घर में भी गरीबी नहीं आएगी। सूखे पेड़ पत्तों की स्थापना घर में ही करते रहेंगे तो इससे आपके घर में गरीबी भी अपना स्थान बना सकती है। ये थी कुछ ऐसी वस्तु जिसके होने से आपके घर में गरीबी प्रवेश कर सकती है। आपके घर में इससे कोई संबंधित चीज़ें हों तो आप उन्हें जल्द ही हटा दें, वरना आपके घर में गरीबी प्रवेश कर सकती है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।